नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। देश में ट्रेनों की लेट लतीफ किसी से छिपी नहीं है। इसका दर्द वही बयां कर सकता है जो घंटों देरी से चल रही ट्रेनों में सफर कर रहे होते हैं, या फिर वो जो घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे होते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 9 घंटे से देरी से ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों की प्रतिक्रिया दिख रही है। वायरल क्लिप में ट्रेन के आने की खुशी में लोगों को नाचते और जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। ट्विटर पर हार्दिक मांथू नाम के यूजर्स ने वीडियो शेयर कर लिखा है, हमारी ट्रेन 9 घंटे लेट हो गई। इसके आने पर लोगों ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में यह भी कहा कि कुछ लोगों ने पता था कि ट्रेन लेट है और वे अपने अपने होटलों से देर से निकले। इसके बावजूद जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, लोग खुशी से झूम उठे। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से खचाखच भरा पड़ा है, तभी ट्रेन हॉर्न मारते हुए प्लेटफॉर्म पर आती है। ये देखकर वहां मौजूद कई यात्री खुशी से नाचने और जश्न मनाने लगते हैं। वीडियो को देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े सैकड़ों यात्री थोड़ी दूर से आ रही ट्रेन की रोशनी की बेसब्री से देख रहे हैं। जैसे ही ट्रेन उनके पास आकर रुकती है, लोग ताली बजाकर नाचने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि इस दौरान एक व्यक्ति ट्रेन के आगे झुककर उसे धन्यवाद देता है। अब इस वीडियो को देखकर ट्विटर यूजर्स ने भी खुद को कमेंट करने के रोक नहीं पाए। कुछ ने तो यह भी सवाल किया है कि ये कौन सी ट्रेन है जो 9 घंटे की देरी से चल रही है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से ट्रेनों में इस तरह की लेट लतीफ शायद ही देखने को मिलती है। एक यूजर्स ने लिखा है कि कम से कम वे खुशनसीब थे। वहीं दूसरे यूजर्स का कहना है कि TDR फाइल करके रिफंड ले लो भाई। एक अन्य यूजर्स ने लिखा है कि देश में अब ये आम बात हो गई है।